आप लोगों को लाइंस तो याद है ना? I'm sure बस लाइंस ही तो याद करनी है, बाकी तो आप लोग एक्चुअली कपल हैं, तो I'm sure आपकी केमिस्ट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? हाँ बे, 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 ओके, कूल. Be ready and action. You ready? All the best, भैया. यही मौका है भैया, कर लो अपनी love story से. Ready sir, ready. क्या energy लड़के में? है ना sir. Rolling and action. अबे यार, चार घंटे से यही देख रही है. इतना तो मैंने अपने आप को आज तक नहीं देखा. तब ना मैं बात करता हूँ उससे. ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों का काजल जैसे गुलाबी गाजर, जैसे रात का आंचल. काट काट काट, दोबारा लेंगे वीर. रेडी. एक्शन. काम डाउन. इट्स ओके. या अरे यार, ये तो पार्क का साइन है. मुझे एक सेकंड के लगा ये हॉस्पिटल है. ओके. तुम्हारी आंखों का बाल जैसे गुलाबी गाल गाल. कट. रेडी वीर, तुम्हारी लाइन चलेंगे एंड एक्शन. तुम्हारी आंखों का काजल जैसे जैसे रात का आंचल. कट. Zara, Zara, I need a break. Zara, sorry. अभी शूट नहीं होगा मुझसे. मतलब pack up? ये कुछ समझ में आया? ये देखिए देखिए, ये मुंबई में ना ऐसे 8-10 location है, लेकिन ये FON है ना, इसके बारे में पता नहीं चल रहा है. कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार. इधर ऐड का भी कबाड़ा कर दिया और जारा को भी नाराज कर दिया, और यहाँ मैप में भी कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ. आज का दिन ही बहुत मनहूस है.
क्या लगता है ये मैप अमल अंकल का ही बना हुआ है? आई थिंक ये पापा के किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा होगा। सीक्रेट? जैसे कि तू और मैं हर सीक्रेट शेयर करते हैं, वैसे अंकल का भी होगा कोई जिगरी। जिगरी? यार ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि तू आजकल मेरे साथ घूमता नहीं है। भटकल अंकल। अंकल ये मैप कहाँ का है और ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं ये क्या है? ओ, टेस्ट? टेस्ट ले रहे हो मेरा? अमल, तुम अपने बनाए हुए मैप के बारे में ही भूल गए? बोला नहीं हूँ, मैं तो बस देख रहा था कि आपको कितना याद है। याद है, सब याद है, इतना बुरा नहीं हुआ हूँ भी। तो बताइए अमल, ये तुम्हारी सीक्रेट लैब का मैप है? सच में भूल गए उसके बारे में? बैड, वेरी बैड। सीक्रेट लैब? हाँ याद है, एक पुराने से बंगले, पुराने से बंगले के तहखाने में थी हमारी लैब, अंडरग्राउंड। कितनी बदबू होती थी वहाँ अमर, हम इतनी बदबू में रह कैसे लेते थे वहाँ? कहाँ है वो बंगला? यहाँ पे कहाँ? FON। हाँ FON मतलब फादर ऑफ द नेशन। कौन? अगल भी क्विज का टाइम नहीं है। महात्मा गांधी। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी रोड। एमजी रोड। यस। अब फादर ऑफ नेशन ही पहुंचाएंगे मुझे मेरे फादर तक। मान गए अंकल, बाप बाप होता है। यस। बाय। ये एप्पल यहाँ किसने रखा? अंकल यहाँ पर कोई पुराना बंगला है ना? है नहीं, था 10 साल पहले तोड़ दिया, अब कुछ और बन गया वहाँ, प्लॉट नंबर 19 पे। प्लॉट नंबर 19? हाँ यही प्लॉट नंबर 19, थोड़ा सा आगे। बंगलों की जगह तो ये बन गया। भटकल अंकल ने कहा था सीक्रेट लैब अंडरग्राउंड ही है। बंगलो भले ही नहीं है यहाँ पर हो सकता है सीक्रेट लैब अभी भी अंदर ही हो, और उस तक पहुंचने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर से होकर जाना होगा। यानी कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। फिर वही ध्वनि, लगता है उस मानव ने अंगूठी को फिर से धारण किया है। इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। दृश्य मानव, समझ ले तेरा अंत निकट है, तो जाओ और इस अभियान को पूरा करो। श्वान जाओ। क्या बात है, ये नजारा मुख्तलिफ देखकर ऐसा लगता है ये नाचीज इस शहर में मशहूर हो रहा है। मेरा मतलब है कि इस बदले हुए माहौल को देखकर ऐसा लगता है जैसे अपन फेमस हो रहे हैं बॉस। कब तक, कल तक, टोटल न्यूज, सब की सब यही बात चले आ रहे हैं। और अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं कह दूंगा नो कमेंट्स बेबी, और फिर सबको साइड करके मैं साइड से फटा निकल जाऊंगा। जी सर। नहीं कुछ भी, सॉरी सर। चल सर। सर कल जो मुंबई DRSO बैठा है वो, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप?
देखिए छानबीन शुरू है उसका। सर इस घटना का कनेक्शन BRSO दिल्ली के हमले से जहाँ पर 20 लोगों की जाने गई है। सर नेशन वांट्स आंसर। पुनिशन मिलेगा ना आपको तो उसको बताने का, थोड़ा सा वेट और करने का। सारे के सारे अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, चिंता मत करो। सर ये तो सर असल लीपा पोती है, मुंबई DRSO आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है और यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है, कभी अटैक्स कभी मर्डर। सर सुना है एक मर्डर किसी एलियन ने किया है। एलियन? अरे तांबी देखिए ये अफवाह है, ये रूमर्स फैलाना बंद कर दीजिए आप लोग। एलियंस यहाँ नहीं होते, वो फिल्मों में होते। चलिए अगले सवाल जवाब का काम बाद में करेंगे, अभी हमको हमारा काम करने दीजिए। चलिए बाद में। थैंक यू। बाय। अंगूठी की ध्वनि इसके अंदर से आ रही है। पुलिस स्टेशन के अंदर तक तो पहुंच गया, अब अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब तक कैसे पहुंचा जाए? जरूर कोई सीक्रेट दरवाजा होगा। कौन है रे? मैं हूँ रे, और कौन है? अरे नहीं साहब, आई शपथ। अरे कोई तो गया अंदर। अंदर? हाँ। एक कंपिया कर दे, अभी तो लीवर गया, कल को भेजा भी जाएगा। ये स्टोर रूम लग रहा है, यही ढूंढता हूँ। साहब बाटली की कसम साहब, वो चेयर ऐसे हिलता हुआ दिखा मेरे को। पैंट छोड़ वाला थोड़ी देर में तू सबको हिलता हुआ दिखेगा, समझा? है साहब। मुझे किसी भी प्रकार भीतर प्रवेश करना होगा, शीघ्र। मामला है पेचीदा, वक्त है कम। कहां छिपाए तुम? कहीं दोगी कोई सीक्रेट दीवार? या फिर कोई चोर दरवाजा? के पीछे कोई सीक्रेट दरवाजा तो नहीं? देवारे देवा, भूत साहब, साहब मैं तो बोलता है इस पुलिस स्टेशन में पक्का किसी भूत के जाए। गबस ना, मतलब तेरा भूत मैं उतार देगा, समझा? सच्ची बोलता है साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चली गई मेरी किस्मत, मुझसे रूठ के चली गई। अभी सीक्रेट लैब तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। बापू, FON, फादर ऑफ नेशन, पूरे इंडिया को रास्ता दिखाया है आपने, कहीं मेरा रास्ता आपकी फोटो के पीछे तो नहीं? बापू हिल गए। बापू नहीं हिले, तेरा भेजा हिल गया, समझा? ए तू शांत तो नहीं, क्या लेगा रे? साहब एक बाटली मिल जाती तो लेगा, बाटली लेगा।
साहब है साहब। कोई बेसमेंट? तू सुबह से दिमाग खराब कर रहा है। अरे साहब इधर नाटक लगा रहा है, नहीं बोल रहा है। इधर कोई है? अरे बैठ। कम ऑन ज़ारा, कम ऑन। या तो चिप्स खा ले या तो वर्कआउट कर ले। क्या फायदा वर्कआउट करने का? वैसे भी एक हफ्ते की मेंबरशिप बची हुई है और रिन्यू करने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं है। कैसे बिहेव करा था वो सेट पे? अजीब बिहेव कर रहा था। आई थिंक वो चाहता ही नहीं था ये एड हो, सब जानबूझ के किया उसने। हाँ हाँ, 50 लोगों के सामने खुद का मजाक उड़ाने के लिए तो उसे बहुत मजा आ रहा होगा, राइट? तूने तूने उस बेचारे को डरा दिया होगा। व्हाट? कोई बेचारा नहीं है वो। और मैंने क्या किया यार? स्टार है ना तू ज़ारा, नर्वस हो गया होगा बेचारे के सामने। तो मैं क्या करूँ? फोन कर वीर को। नहीं नहीं, लॉकी को। ऑब्वियसली वीर को करेगी ना, फोन की जरूरत। ईशानु अनलॉक कर, ज़ारा अनलॉक कर लो। अरे ईशानु, ओके हेलो जैन सर। हाँ सर। ए गप्पा सारे, साहब का फोन है। हाँ सर। सर वो डोका वाला किसका अपडेट करता हूँ मैं आपको, तो रिपोर्ट 2 दिन में मिल जाएंगे। निकाल निकाल, कोई रास्ता निकाल, टाइम बहुत कम है तेरे पास। ये किसका फोन बजा बे? किसका बजा? तेरा ही बजा होगा, सुधरेगा नहीं कभी तू। नहीं 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 साहब, मेरा फोन तो बचपन से साइलेंट है। संभाल के रख उसको, और फोन निकाला तो सब पता चलेगा। हाँ सर। नहीं सर। नेटवर्क नहीं आना चाहिए, वहाँ पूरा नेटवर्क आता है। मेरा फोन काट दिया उसने। हाउ डेयर ईशानु, हाउ डेयर। रुक मैं अभी बताती हूँ। कौन है जिससे मेरे बिना रहा नहीं जा रहा? ये किसका फोन बज रहा है ये बार बार? आ जाना, कोई तो खाएगा मेरे हाथ की। कौन है जिससे मेरे बिना रहा नहीं जा रहा? इसका मैं गला ही दबा देता हूँ। यार एक बार शूट पे ले गए बॉयफ्रेंड बनाने की एक्टिंग क्या करवा ली, तो हीरो समझ रहा है अपना। ये कौन नजारा? नौशान, अब इस वीर के साथ ना कोई ऐड नहीं करनी है। पहाड़ में गई जिम मेंबरशिप, योगा कर ली। योगा करने के लिए भी तो घर होना चाहिए ना, और जब ऐड ही नहीं रहा तो वैसे भी सड़क पे आ जाएंगे। तो चिप्स खा। ये बदबू, कितनी बदबू होती थी वहां, हम इतनी बदबू में रह कैसे लेते थे वहां। ये बदबू ही अकलू, इसे ही फॉलो करता हूं। अबे क्या कर रहा है? अरे ये पुलिस स्टेशन है, मच्छी मार्केट है। अरे चुप कराओ इनको, कोई रे चुप कराओ। इससे पहले और रहता पहले निकल लेता हूं। मैं उस मायावी अंगूठी को अपने हाथ से जाता हुआ सुन पा रहा हूं, मुझे तत्काल उसका पीछा करना होगा। ए, किधर? अरे पकड़ना उसको। अरे ये तेरा असली वाला ससुराल नहीं है कि तू इधर उधर टहल रहा है। चल एंट्री। अरे करता क्या, चल एंट्री कर, चल। इतना क्यों पीता रे जो बार बार सूसू आता है? ढोकला हाँ जोर की लगी है। अभी ढोकला छोड़ के तो मैं तेरे को लेके जाने से रहा। गायबों में भूख बहुत लगती है। Yeah.
मैंने ढोकला कौन खाया रे? ये पूरा ढोकला था, आधा कैसे हो गया रे? साहब मैं तो बोला था लोचा इधर। कोई लोचा नहीं है समझा, ढोकला। तो ये रहा बदबुआ का खजाना। ये क्रॉस ये इसी एरिया का है और पटका लगल ने भी बदबू की बात की थी। कहीं उस अंडरग्राउंड लैब का रास्ता इसी कूड़ेदान से तो नहीं जाता? अब अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। किसी महान आदमी ने कहा है कि कीचड़ में कमल खिलता है और कूड़ेदान में रास्ता मिलता है। जारा, हम हमारे बच्चों की पॉटी वाली नैपी ना कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे, खाद बनाकर गार्डन में डालेंगे। बेवड़े तो अभी भी यहीं खड़ा है, अब तेरा सुसू का मुहूर्त निकालूं क्या? अरे साहब, आज ऐसा ऐसा चीज देखा ना मैं कि मेरी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। साहब आप मेरे को अभी के अभी ना जेल के अंदर डालो, नहीं तो इस गटर के अंदर कूद के ना मैं अपनी जान दे डालेगा। चल देना जान बाद में, पहले सुसू कर ले चल। सुसू तो इंसान। तो वो बदबू का खजाना कूड़ेदान नहीं टॉयलेट है। कॉस ऊपर कितनी भी तोड़फोड़ हो, नीचे का सीवेज सिस्टम कभी नहीं बदलता। कहीं सीक्रेट रूम का रास्ता यही तो नहीं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.